नमस्कार दोस्तों, आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं। रात्रि का ध्यान कैसे करना चाहिए? रात्रि का ध्यान दोस्तों हमारी लाइफ में, ध्यान की दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रात्रि को जो ध्यान करते हैं, कभी कभी पूरी रात आपकी ध्यानमयी रात हो जाती है, कभी कभी पूरी रात्रि इतनी आनंदमयी, इतनी देवी कृपा वाली, ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत आप सुबह उठते ही कोई दूसरे व्यक्ति होते हो। जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, जेलसी से, ईर्ष्या से, निंदा से, चुगली से, दूसरों को डाउन करने की भावना से अपने आप को क्लीन करना, क्योंकि आपको पता नहीं कितने कितने सालों की आदत पड़ी है, उस आदत से निकलना धीरे धीरे। कोशिश करें रात्रि को जल्दी भोजन करें और सोने से पहले कम से कम एक घंटे से घंटा पहले, डेढ़ घंटा पहले टीवी का, मोबाइल फोन का त्याग कर दें, उसको ना टच करें, उसको कोई जरूरी काम के लिए रखें। और आप घर के काम निपटाते निपटाते, कोई और काम करना है उसको निपटाते निपटाते अपने गुरु मंत्र का जाप शुरू कर दें, अपने इष्ट मंत्र का जाप शुरू कर दें। बीच में बाई चांस कोई फोन आ गया, जरूरी बात है, तो एक आध मिनट में उस बात को जवाब दे करके फिर अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जाप कर दें। आप ऊंचे स्वर में करें, आप धीमे स्वर में करें, आप मानसिक जाप करें। जैसे जैसे आपका मंत्र का जाप बढ़ेगा, तैसे तैसे आप एक दिव्या लोक की ओर प्रवेश करने लगेंगे। आपने, आप घर का काम कर रहे हो, आप सुबह की तैयारी कर रहे हो, तो आप मंत्र जाप को जारी रखें। उसके पश्चात सोने से पहले कमरे में, रूम में अंधेरा कर लें, अपने पूजा रूम में चले जाएं थोड़ी देर के लिए, छोटा सा दिया जला लें, जो थोड़ी देर में बंद हो जाए, आधे घंटे के लिए जला लें। अगर अखंड दिया आपके घर में जलता है तो फिर जलाने की जरूरत नहीं है। और उस जैसे आप मंत्र जाप कर रहे थे उसी मंत्र को लिप्स भी बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान देना शुरू करें।